नमस्कार किसान भाइयों, मैं विकास मौर्य, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भीख के टेक एग्री। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आलू की फसल पर एनपीके घुलनशील खाद का क्या महत्व है, इसे एनपीके को किस लिए डाला जाता है और इसके डालने से क्या फ़ायदा है। तो चलिए देखते हैं कि एनपीके का क्या महत्व है। इससे पहले कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए देखते हैं कि एनपीके का हमारे आलू की फसल पर या किसी भी चीज़ पर एनपीके खाद का क्या महत्व होता है। तो एनपीके का फुल फॉर्म होता है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। इसका हमारे आलू की फसल पर क्या महत्व है हम देखते हैं। यदि किसान भाई एनपीके का सही अर्थ समझ जाएंगे तो यकीन मानिए उपज उत्पादन बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और हमारे किसान भाइयों को जानना बेहद ज़रूरी है कि कौन सी स्टेज पर कौन सी एनपीके डालनी चाहिए। एनपीके कई प्रकार के होते हैं, एनपीके मार्केट में कई तरह के उपलब्ध हैं। तो हमें किस स्टेज पर किस समय कौन सी एनपीके का यूज करना चाहिए, इसी वीडियो में हम आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे। तो हम आसानी से इस वीडियो में समझाने वाले हैं कब और कितनी मात्रा देनी चाहिए जिससे हमारी आलू की फसल पर रिजल्ट दिखाना शुरू हो जाए और लंबे समय तक रिजल्ट मिले हमको। हमारे मतलब एक प्लांट के ग्रोथ के लिए हमें पता है कि 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें 3 पोषक तत्व हमारे निम्न हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें वो हैं एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम। यह 3 जो है दोस्तों बहुत ज़रूरी है किसी भी पौधे के ग्रोथ के लिए। तो चलिए हम देखते हैं एनपीके का काम क्या है, एनपीके किस तरह काम करता है पौधों में। एन मतलब नाइट्रोजन जो है पत्ते को हरा करती है, पौधों की ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा मदद करती है नाइट्रोजन। फास्फोरस जो है जड़ों को मजबूत करता है, नई जड़ों का विकास करता है, तनों को मजबूती प्रदान करता है। और पोटेशियम जो है कंदों की आकार में वृद्धि करना, कंदों की चमक को बढ़ाना और पौधों की सेहत को सुरक्षात्मक बनाए रखना पोटेशियम का मुख्य वर्क होता है। अब चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कब मतलब किस समय हमको कौन सी एनपीके का यूज करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, जब आलू की फसल 45 से 50 दिन के आसपास हो, लगभग 45 से 50 दिन के आसपास में हो, तब हमको एनपीके 19-19-19 घुलनशील 50 ग्राम की टंकी 50 ग्राम 15 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करनी चाहिए, जब हमारी आलू की फसल 45 से 50 दिन के आसपास में हो। और ये पहला स्टेज है। सेकेंड स्टेज, जब हमारी आलू की फसल 60 से 65 दिन की होती है तो हमें दोस्तों 052-34 75 ग्राम टंकी के एवरेज से स्प्रे करनी चाहिए। 75 ग्राम एक टंकी मतलब 15 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करनी चाहिए। लास्ट स्टेज है तीसरा, जब हमारी आलू की फसल 80 से 85 दिन के आसपास में हो तब दोस्तों हमको 0050 एनपीके 0050 का स्प्रे करना चाहिए 75 ग्राम की टंकी के हिसाब से। दोस्तों लास्ट स्टेज मतलब 80 से जब 85 दिन का होता है तो उस समय हमको पोटेशियम की ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है। तो दोस्तों पोटेशियम का काम होता है कि आलू के कंदों की आकार में वृद्धि करना और कंदों की चमक को बढ़ा देना, यह इसका मुख्य कार्य होता है पोटेशियम का। इसलिए हमको लास्ट स्टेज में पोटेशियम का यूज करना चाहिए एनपीके 0050 का। तो दोस्तों यह रहा एनपीके का महत्व, कि आलू की फसल में एनपीके का क्या महत्व है। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यदि दोस्तों आप लोगों को किसी भी फसल के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें।